की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गवर्नर उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह हैं यहाँ पर। और आज अपने गांव के बारे में इस पूरे ऐतिहासिक तथ्यों को खुद बयान कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को माल्यार्पण पुष्प अर्पित का कार्य जारी है। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं अभी पुष्प अर्पित कर रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के लिए। आप देखिए कितने स्लोगन लिखे हुए हैं, कितने बढ़िया बढ़िया स्लोगन लिखे हुए हैं। ये दूसरा तो ये तस्वीरें जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के लोग और देश के लोग भी इसको बहुत लंबे समय तक इसको सजो कर रखना चाहेंगे, याद रखना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलती हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे कार्यक्रमों में जहाँ पर राष्ट्रपति का ये जो पैतृक गाँव है वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का एक साथ पहुँचना बहुत। राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति जी, रामनाथ कोविंद जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अब लाइब्रेरी की ओर प्रस्थान करेंगे। ये सीएम ग्राम पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 11 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तमाम तरह की जो कठिनाइयां बच्चों को पढ़ने में आती थी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है। और यहाँ पर छोटे बच्चों की किताबें हैं, महापुरुषों की जीवनी है, नेशनल हीरो जो तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे परौक गांव से, जहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। ये जो पथरी माता